हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिबोनाची सीरीज में यूजिंग रिकर्सन, मतलब कि पार्ट टू। पार्ट वन में हमने क्या क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। उसके बाद हमने ये प्रूफ किया था कि टर्म एन जो है वो पिछली वाली दो टर्म का सम है। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक सीरीज दी हुई है, हमको ये पता होता है कि पहली टर्म जीरो है, दूसरी टर्म हमारी वन है। इसके बेस पर हम थर्ड टर्म निकालते हैं जो कि पिछली वाली दो टर्म का सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्म हमको पता है, तो एक जस्ट नॉर्मल एक ले लो, एन इक्वल टू 5। तो टी 5 क्या होगा? टी 4 प्लस टी 3। टी 4 क्या है? टी 4 मेरा 2 है, टी 3 क्या है? मेरा 1 है। 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, ये हो गया ट्रू। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे कि यूजिंग रिकर्सन, मतलब कि पिछली बार हमने क्या प्रोग्राम देखा था, कि एक सिंपल देखा था जावा में, जिसमें हमने फॉर लूप लगाया था और उससे हमने प्रिंट कर लेते लगातार। अब हमको बोला गया है कि मैं आपको एक एन दूंगा और आप मुझे बताओ कि इसकी nth टर्म क्या होगी। ठीक है, कि एक फंक्शन है जहां मुझे बस ये पता है कि मेरी टर्म वन ये है, टर्म टू ये है। मुझे बताओ कि 25th टर्म क्या होगी, 27 क्या होगा, 25,000 टर्म क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, एक जावा का प्रोग्राम लिखा। ठीक है, पब्लिक इंट जो यहां से रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप का, और ये मेरा एक फंक्शन है फिबोनाची फिब, और इसके अंदर मैंने पास किया इंटीजर एक्स, सॉरी एक्स नहीं यार, एन ही प्रिंट करते हैं। ठीक है, सॉरी एन डालते हैं इसके अंदर। तो इसकी बेस कंडीशन क्या होगी कि जब मेरी टर्म वन है, जब वन आएगा तो जीरो, टू आएगा तो वन। ठीक है, इफ एन इक्वल इक्वल्स टू वन, तो यहां से ये रिटर्न कर देगा डायरेक्ट। टर्म वन क्या है मेरी, रिटर्न करेगा जीरो। एल्स दूसरी कंडीशन, इफ एन इक्वल्स टू इक्वल्स टू, अगर मेरा एन इक्वल टू दो आ गया, टू हो गया, तो उस टाइम पर बेस मतलब कंडीशन क्या होगी, रिटर्न कर देगा यहां से ये क्या वन, क्योंकि ये मुझको पता है कि ये इसकी बेस कंडीशन है, इस रिकर्सन में ये बेस कंडीशन है। और पता है, देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रिकर्सन आपको पता है, अगर मैं रिकर्सन इसमें समझाऊंगा ना स्टैक वगैरह का यूज कर, तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको स्टेप पता है, और अगर आपको लगता है कि मैं समझाऊँ तो कमेंट में बता देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, एल्स इफ, सॉरी इफ लगेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ दो ही बेस कंडीशन है, दोनों बेस कंडीशन हमने कवर कर ली। अब इफ नहीं लगेगा, एल्स लगेगा डायरेक्ट। अब क्या होगा, ये हमको पता है कि पिछली वाली दो टर्म ये है, तो यहां से रिटर्न क्या होगा मेरा, अब यहां से मैं लगा दूंगा अपने फंक्शन को कॉल, एन माइनस वन पिछली वाली टर्म प्लस फिबोनाची का एन माइनस टू। ठीक है, तो यहां पर ये लगेगा रिकर्सन की कॉल दो बार, एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू दोनों का सम करने के बाद में यहां से रिटर्न कर देगा जहां से कॉल हुआ होगा। ठीक है, मान मुझे पता जाए कि मेरी एन टर्म क्या है। अब हमने यहाँ पे 5 का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर मैं 5 लेता हूँ तो ये कैसे काम कैसे करेगा। ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, छोटा सा देखो, F5 मतलब यहाँ जगह कम है तो मैंने इसे F ले लिया। ठीक है, N इक्वल टू 5, यहाँ पर आया 1 नहीं है, 2 नहीं है, दो को नहीं डायरेक्ट, एक 4 की और एक 3 की, तो यहाँ लगा 4 3, ऊपर आया, हाँ भाई ना 1 है ना 2 है, 4 की फिर द्वारा कोर लगेगी, एन माइनस वन मतलब कि F3 F2। ठीक है, ये फिर गया ऊपर F3 में, F1 3 माइनस 1 2, और 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1, तो 1 के 2 की कॉल लग गई यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ हो गया। ठीक है, देखो अब यहाँ भी बेस कंडीशन है, 2 पर रिटर्न करेगा यहाँ से करेगा 1 रिटर्न, यहाँ से करेगा ये 0 रिटर्न, इन दोनों का सम होगा, यहाँ मिलेगा 1, F3 को क्या होगा, इन दोनों का सम। ठीक है, अब देखो F2 में क्या था, 1 था, यहां से रिटर्न होगा मेरा 1, यहां से गया 1, 1 और 1 2, इस तरीके से फिर F3 कॉल लगेगी, F2 F1, F1 पे क्या था मेरा 0, F2 पे क्या था 1 1 और 0 1, सॉरी 1 और 0 1। ठीक है, तो 2 और 1 को जब सम करेंगे तो यहां से 2 गया, यहां से 1 गया, बना मेरा 3, तो F5 क्या हो गया 3। तो इस तरीके से रिकर्सन कॉल लगेगी जो हमारा कोड ये होगा। तो कई बार इंटरव्यू पूछ लेता है वो कि फिबोनाची लिखो, तो पहले जनरल फॉर लूप पे लिखोगे,
बोलेगा कि इसको रिकर्सन में कैसे कर सकते हैं, तो वो रिकर्सन में पूछेगा, फिर ट्री वन मांगेगा वो आपसे, ये पूछ सकता है कि स्टैक को करके दिखाओ, ठीक है, तो वो सब बता देना आप। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया हो, और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।